हमें भी राजनीतिक जीवन में परसेप्शन के आधार पर निर्णय करने से कैसी गड़बड़े होती हैं वो आप जानते हैं कि आप कहां से कहां पहुंच गए हैं, और इसलिए सच्चाई की धरातल को भी राजनीतिक जीवन में समझना बहुत आवश्यक होता है। हमारे लिए भी आवश्यक होता है, आपके लिए भी आवश्यक होता है। सिर्फ परसेप्शन के आधार पर नहीं चल सकते। अभी मैं वेंकैया जी का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा किसान हमारे हैं, सबसे ज्यादा दलित हमारे हैं, वगैरह वगैरह वो बता रहे थे। आप देखिए, आज लद्दाख तो बीजेपी रिप्रेजेंट करती है, तो कन्याकुमारी भी बीजेपी रिप्रेजेंट करती है, कच्छ अगर बीजेपी रिप्रेजेंट करती है तो अरुणाचल प्रदेश बीजेपी रिप्रेजेंट करती है, अरुणाचल बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। और इसलिए आप कच्छ से लेकर अन्नाभान तक जाइए, कभी आप सोचते थे कि तो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, आप देखते हैं हम साउथ में भी सरकार बनाने में कभी सफल रहे हैं। आप ये भी जानते हैं, कभी कभी ये भी हम पर आरोप लगाया जाता कि ये उच्च वर्ण के लोग ही इस पार्टी में हैं। मुझे देखने के बाद अब शायद अपना विचार बदलना पड़ा होगा। जहां पर ज्यादा आदिवासी जनसंख्या ऐसे जो कुछ राज्य हैं, उसमें से महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जहां मैक्सिमम आदिवासी राज्य है उनमें से ये राज्य है, और वहां पर आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी है। आपको ये भी मालूम है कि गोवा, जहां निर्णायक वोट ईसाई समाज के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राज। नागालैंड, जहां अधिकतम वोट ईसाई समाज के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है। जम्मू कश्मीर, जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है, वहां आज हम सत्ता में भागीदार हैं। पंजाब, जहां सिख समाज निर्णायक है, वहां हम कई वर्षों से सत्ता में सोते हैं। ये सारे क्षेत्र वो हैं, और इसलिए हम भी कभी धरातल पर रहकर के सोचे कि भारतीय जनता पार्टी का व्याप, पहुंच, उसका क्षेत्र विकास कहां कहां हुआ है। और इसलिए जिन परसेप्शन को लेकर के आप बातें करते रहते हैं वो बहुत पुरानी बात है।